नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। तो बात सरोकार की, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सहारनपुर की, जहां सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़े दावे तो करती है, लेकिन इन दावों की जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि जिले के आला अधिकारी है। इस पर करेंगे जिम्मेदार अधिकारियों से बात, लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। सरकार चाहे लाख दावे कर ले कि वो लोगों तक अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा रही है, लेकिन जब लोगों से इस बारे में पूछा जाता है तो किसी को भी इन सुविधाओं का लाभ तक नहीं मिल पाता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सहारनपुर की वीराखेड़ी में बने उप स्वास्थ्य केंद्र के बारे में, जहाँ ग्रामीण क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल स्थिति में है। आप देख सकते हैं इस उप स्वास्थ्य केंद्र को, इसकी जर्जर इमारत को, इमारत में बने टूटे फूटे फर्श वाले कमरों को, जहां आदमी तो क्या जानवर भी ना जाए। डॉक्टर आने की बात तो बहुत दूर रही। इस उप स्वास्थ्य केंद्र का उपयोग ग्रामीण उपले रखने के काम में करने लगे हैं। जब उप स्वास्थ्य केंद्र की यह हालत होगी तो यहां की स्वास्थ्य सेवाओं का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। गाँव के प्रधान का भी कहना है कि कई बार सीएमओ को इस मामले में अवगत करा चुके हैं कि या तो इमारत को ठीक कराया जाए या फिर दूसरी जगह व्यवस्था कराई जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने इस स्वास्थ्य केंद्र के बारे में कई बार सीएमओ साहब को भी अवगत करा दिया और इस पर किसी को आज तक भी कोई सुध नहीं ली गई। इसकी बिल्कुल ऐसी स्थिति में है कि ना तो कोई यहाँ डॉक्टर बैठता, ना ही कोई एनएम वगैरह बैठती, और हालात इसके ऐसे ख़राब हैं कि इसमें कोई लेटरिन भी नहीं कर सकता, बैठे तो कोई बहुत दूर की बात है। ऐसी स्थिति इसकी है, जर्जर हो रहा, पेट इसके अंदर जम गया, लेंटर मैंने लिगड़ गया पेट इसका। और मैंने आज भी सीएमओ साहब को फोटो डाले, अभी यहीं खड़े है, और इस पर कोई कार्रवाई कोई हुई नहीं अब तक भी। हम चाहते हैं या तो इसको नया बनाया जाए, नहीं तो इसका जो है इसको नीलाम करके यहाँ से जगह खाली करिए। जानकारी के अनुसार सहारनपुर जिले में 350 से ज्यादा उप स्वास्थ्य केंद्र है जो की पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं, जिन्हें खुद ही मरम्मत की जरूरत है। लंबे समय से कई जर्जर उप स्वास्थ्य केंद्र मरम्मत का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर अभी तक कोई कवायद शुरू नहीं की है। इतना ही नहीं, ये जर्जर खाली पड़े उप स्वास्थ्य केंद्र असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुके हैं। जब इस बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात की गई तो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक अलग से भवन तैयार करने की बात कहकर जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दे दिया गया। वीराखेड़ी में सब सेंटर है हमारा, उसमें जो गवर्नमेंट के निर्देश आए थे उसके अंदर एक अलग से नया रूम बनाने के लिए एक हम पे वो थे निर्देश, तो वो पूरा करा दिया गया है। नया रूम में बहुत बढ़िया बना दिया गया है। जो पुराना बिल्डिंग है उसकी वो जर्जर कंडीशन में भी है, तो उसको ठीक कराने के लिए दो ऑप्शन हम पे हैं। एक तो अनटाइड फंड आता है, तो उसमें हम पे 30,000 रुपये हैं, तो उससे अगर कुछ हो सकता हो तो वो हमने बोल दिया उसको DPM को, DCPM को। और दूसरा CDO से, हमने DPRO से बात की थी, ग्राम पंचायत का कुछ बजट होता है तो जिससे वो लोग सब सेंटर ठीक करा देते हैं। मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत उप स्वास्थ्य केंद्रों को चालू किया था ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों को सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के चलते ये लाभ लेने से ग्रामीण वंचित हैं। लोगों को प्रशासन से शिकायतें बहुत हैं, लेकिन उनके निस्तारण के बदले केवल लोगों को आश्वासन दे दिया जाता है। आखिर कब तक सुविधाओं के अभाव लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा? ऐसे तमाम सवाल जनता को प्रशासन से हैं, लेकिन तमाम सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। न्यूज वॉच इंडिया के लिए सहारनपुर से जोगेंद्र कल्याण की रिपोर्ट। तो सरकार चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन जिस तरीके की स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करती है सरकार, इन तस्वीरों को देखकर क्या लगता है कि लोगों को उन स्वास्थ्य सुविधाओं का जो लाभ है वो मिल पा रहा है? बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार की बात करें तो इसको लेकर तमाम योजनाएं तो चलाई जा रही हैं, लेकिन धरातल पर जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है वाकई सोचने पर मजबूर कर देती। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जोगेंद्र कल्याण मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जोगेंद्र, जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, अगर मैं चिकित्सा मंत्री की बात करूं तो खुद बृजेश पाठक लगातार दौरे करते हैं, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें सहारनपुर से ये सामने आई हैं, क्या कुछ बयां कर रही है? कैसे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी? जी,
बीराखेड़ी ग्राम का एक मामला है जहां पर ये उपकेंद्र स्वास्थ्य केंद्र है जो ग्रामीणों ने उपकेंद्र है गांव में उपकेंद्र है इसकी पिछले कई सालों से ऐसी जर्जर हालत में ऐसे ही है। यहां पर ग्रामीणों में काफी बार जो ग्राम प्रधान चंद्रपाल है उन्होंने बताया कि काफी बार सीएमओ को भी अवगत करा चुके हैं, कई बार जिलाधिकारी भी अवगत कराया, अधिकारियों को अवगत कराया, पर उसके बाद भी यहाँ पर किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। और यहाँ पर अब ग्रामीण जो लोग है वो यहाँ पर उपले रखते हैं, अपने जो शरारती तत्व है वो लोग यहाँ पर शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं और काफी कुछ और नशा करते हैं। कई बार उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोगों को ग्रामीणों के लिए यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। सरकार बड़े बड़े दावे तो करती है, वे सहारनपुर के जिला अधिकारी के इस दावे में बिल्कुल फेल है। सरकार ने अनेकों योजनाएं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चला रखी है। वे सहारनपुर जनपद में जनपद की बात करें तो सहारनपुर जनपद में 361 उपकेंद्र स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें 51 उपकेंद्रों की हालत बहुत ही खराब है। यहाँ पर एक तस्वीर ये गंगू के ब्लॉक ग्राम बीराखेड़ी की है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं विजुअल में जो उपले रखे हैं, ये इससे साफ जाहिर होता है कि बीराखेड़ी में स्वास्थ्य सेवाओं के लेकर कुछ भी नहीं है यहाँ पर ग्रामीणों को। जोगेंद्र अगर बात की जाए जिस तरीके से ये उपकेंद्र सामने आया है, कब ये उपकेंद्र बना है और अगर जिस समय पर ये बना अब तक क्या कोई कार्रवाई नहीं की गई? ग्राम प्रधान की तरफ से भी शिकायत की जा रही, तो क्या ग्राम प्रधान की तरफ से भी उसके बाद में कोई सामने तथ्य निकल कर नहीं आए? देखिये भैया, उपकेंद्र की बात बने रहे की हम बात करते भैया, काफी टाइम पुराने उपकेंद्र है, यहाँ पर किसी कोई सुविधा नहीं है। जो पहले जो कुछ डॉक्टर बैठते थे पर धीरे धीरे पता नहीं डॉक्टर भी और पूरा स्टाफ कहाँ गायब हो गए कोई नहीं जानता। अब ये बीराखेड़ी जो उपकेंद्र स्वास्थ्य केंद्र है बिल्कुल जर्जर हालत में है और यहाँ पर लोग शौचालय करते हैं जो उपले रखते हैं और साथ ही ग्रामीण अब यहाँ पे उपले रखते हैं। ग्रामीणों का कई बार आक्रोश भी है इसके बात को देखते हैं कि यहाँ के जो गंभीर बीमारी होती है जो डेंगू के मच्छर है गर्मियों में होते हैं तो यहाँ पर ग्रामीण बेचारे दवाई भी लेने जाने पड़ते। 50 किलोमीटर गंगो ब्लॉक में ये बीराखेड़ी ग्राम पड़ता है, उसके बाद ग्रामीणों को इलाज के लिए सहारनपुर के जिला अस्पताल आना पड़ता है और यहाँ पर काफी धक्के खाने पड़ते हैं। उनका कहना सिर्फ ये है कि जो छोटी मोटी बीमारी है बुखार है और जोगेंद्र हमारे साथ में ग्राम प्रधान जुड़ चुके हैं चंद्रपाल जी। चंद्रपाल जी, जिस तरीके से आपके गांव का ये मामला सामने आया है कि आखिरकार जो उपकेंद्र है वो अब लोगों के लिए उपला बनाने का केंद्र बन चुका है, आखिरकार किस वजह से इतनी जर्जर हालत में ये उपकेंद्र है? ये सर इसकी जर्जर हालत इतनी खराब है जी, क्या इसमें बिल्कुल बहुत स्थिति खराब है, ढानक है, टूट कर कभी भी गिर सकता है। इसमें कई साल से कोई डॉक्टर नहीं बैठता, हमने बार बार भी सीएमओ साहब को लिख कर दे दिया और मैंने सांसद जी को भी अवगत कराया दिया इस मामले देख कर। मैं यहाँ पर एक स्वास्थ्य केंद्र बनना चाहिए जिससे कि कोई बीच में दुर्घटना हो जाए और यहाँ हमारे हम बैठे के और गंगों के बीच का सेंटर पड़ता है सर ये। और मैंने बार बार कहने के बावजूद भी इसको कोई हमारी सुनवाई नहीं हो पाई। लेकिन अब हम सर ये चाहते है या तो इसको जो है यहाँ से उखाड़ दिया जाए, नहीं तो दूसरा स्वास्थ्य केंद्र ऐसा बना दिया जाए जिससे कोई बीच में कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कम से कम फर्स्ट स्टेट के लिए हम दूर न भागना पड़े आदमी को। बिल्कुल, लेकिन चंद्रपाल जी एक जिम्मेदारी आपकी भी है, आप ग्राम प्रधान हैं, लोगों को अगर कोई स्वास्थ्य समस्या होती है आखिरकार वो इतनी दूर जाते हैं, आपने शिकायत की बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पर क्या कोई संज्ञान नहीं लिया उसके बाद में अधिकारियों की तरफ से? आपने आगे इसको लेकर कोई भी पत्र लिखा हो? जी, कोई संज्ञान में कोई काम अब तक जो है संज्ञान में नहीं लिया। दो बार मैंने लिखकर सीएमओ साहब को भी दे दिया और बीडीओ साहब को भी लिख दिया, यहाँ गंगों के जो हमारे रोहित वालिया जी है डॉक्टर उनको भी मैंने अवगत कराया दिया, मौके पर दिखा भी दिया। सीएमओ साहब को भी मैंने एक दिन दिखाया, मौके पर बुलाया, मैं साहब देखो इसकी क्या हालत जर्जर हालत है इसकी, अगर इसको देखा जाए तो इसमें कोई बैठ भी नहीं सकता, अगर इसको नुभी कहा जाएगी एक सेकंड के लिए खड़ा हो जाए इसके अंदर, क्योंकि उसकी उसकी छत में ना पेड़ निकल गया ऊपर निकल गया जी, उसमें अंदर पेड़ जमा फरस में और फरस में तो पेड़ जमकर उसके ऊपर जो है उसके छत लेंटर में निकल गया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही हमारी। इसमें मैंने बार बार भी अवगत कराया दिया, लिख भी दे दिया मैंने अपने लेटर पैड पे और रोज कोई दिन बचता है कोई दिन जो यहाँ सड़क पर कोई हादसा नहीं होता, छोटा मोटा हादसा जो है कहीं ना कहीं होता रहे। अब उसको जो है फिर 108 नंबर आओगी या कोई अपना निजी वाहन लेके जाएगा, अगर यहाँ बीच में पड़ जाता पांच किलोमीटर गंगो 5 किलोमीटर अम्बेटा दोनों के बीच का सेंटर पड़ता है जी।
अगर इसमें यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र बना दिया जाए जिससे फर्स्ट स्टेज हो जाए, तो उसमें मतलब मरीजों को भी सुविधा हो जाएगी और भागने दो। चंद्रपाल जी, जिस तरीके से ग्रामीणों के, अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं, तो कितनी दूर जाना पड़ता है ग्रामीणों को अपनी दवाइयां लेने के लिए? 6 किलोमीटर जाना पड़ता है सर। 6 किलोमीटर का दायरा, चंद्रपाल जी, 6 किलोमीटर का दायरा क्रॉस करके लोग वहां पर दवाइयां लेने जाते हैं। इमरजेंसी अगर आ जाए, 6 किलोमीटर जानते हैं काफी समय लग जाता है किसी भी मरीज को वहां पहुंचने के लिए। और आपकी भी बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने जो गांव के लोग हैं उनका ध्यान रखें। अगर इसको लेकर अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे हैं, आपने वीडियो तक इसकी शिकायत की है, तो आप आगे भी इसकी शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, डिप्टी सीएम है बृजेश पाठक, वो लगातार दौरा करते हैं। और अब तो वेबसाइट भी ऐसी है जिस पर आप इस तरीके की शिकायतें कर सकते हैं, तुरंत उसका संज्ञान लिया जाता है राज्य सरकार की तरफ से। तो आपको अपनी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए ना। जी 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 जी, नहीं मैंने जो है इसको इसीलिए तो जो है जी मैंने इसको बता रहे, अब जो है मैं इसको ऊपर तक भी लिखूंगा जी, मुख्यमंत्री को भी लिखूंगा और जो स्वास्थ्य मंत्री को भी लिखूंगा कि इसको इसकी स्थिति ऐसी है, यहाँ इसको बनाया जाए। लेकिन इस पर जो है अब देखो जी, कोई कुछ कर नहीं रहे, बताओ हम खुद ही परेशान है। मेरे मतलब यहाँ गाँव के लोग भी हमें कहते हैं भाई यार कम से कम सरकार में बैठे आप, सरकार सांसद जी हमारे हैं, मौजूदा विधायक हमारे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो पा रहा है इसमें, यहाँ से कहने के बावजूद भी सांसद जी ने भी 2-3 बार सीएम चंद्रपाल जी, विधायक जी से आपने बात की, उनका क्या कहना है? विधायक जी ने कहा, आश्वासन दिया था मेरे से भाई होगा यू, लेकिन नहीं हो पा रहा है। पता नहीं, समझ में नहीं बात आई क्यों नहीं हो पा रहा। समय पहले आपने विधायक जी से शिकायत की थी? हाँ, मैंने 2 बार विधायक जी तक बताया दिया, जी इसको जो है इसी स्थिति में है, विधायक जी ने ये कहा था कि सब आप बेफिक्र है और हम इसको जो है दोबारा सही करके बनवाऊंगे जिस तरह दिक्कत ना हो किसी ने, लेकिन कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हो पाई। लेकिन जिस तरीके से, हाँ बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से ये उपकेंद्र बंद है, लेकिन वहां पर अगर बात करें, विशेष समुदाय के लोग भी वहां बैठते हैं, ड्रिंक भी की जाती है और जर्जर हालत में ये है। अगर कल कोई हादसा होता है, लोग वहां पर उपले रखने भी आ रहे हैं, कल कोई हादसा होता है तो आपके ऊपर कितनी बड़ी लापरवाही का आरोप इस दौरान लग सकता है, इसका भी ख्याल है आपको? सही बात है, लगा मेरे पे लगा आरोप तो सर। तो आपको अपने आरोपों को, आपको अपने आरोपों को बचाने के लिए आप पर ये आरोप ना लगे, तो आपको भी तो कदम उठाना है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे उठाना जी, मैं तो इसको ऊपर तक भेजूंगा, लिख कर भेजूंगा, ऑनलाइन ही भेजूंगा इसको, और मैंने लिख भी दे दिया इसके बारे में, सांसद जी को भी लिख कर दे दिया, विधायक जी को भी 2 बार बताया दिया, मगर सर इस तरह करा जाए, इसमें कम से कम इसको ऐसा करा जाए कि भाई रोज आए दिन घटना होती है, लेकिन कोई इसमें संज्ञान में नहीं ले रहा कोई अधिकारी जी सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपने अपने गांव की जो बात है, जो समस्याएं हैं, आपने हम तक साझा की है। जोगेंद्र, जिस तरीके से ग्राम प्रधान को भी हम सुन रहे थे, उन्होंने तमाम बातें बोली हैं कि शिकायतें की हैं, बावजूद उसके अधिकारी नहीं जाग रहे हैं नींद से, आखिरकार किस तरीके से इन अधिकारियों को जगाया जाए? सारे काफी समय से उठा रहे हैं, उनका कहना यह भी है कि मैंने कई बार अवगत कराया सांसद को, विधायक को, सीएम को, जिले के आला अधिकारियों को, पर इसमें वो लोग भी सिर्फ आश्वासन देते, इसके बाद कुछ नहीं देते। काफी समय से जर्जर हालत में बढ़ा है, इसमें सबसे जो लापरवाही दिखती है सहारनपुर के जिला अधिकारी के, सीएमओ विभाग के, स्वास्थ्य विभाग के, उनको लेके इसमें सख्त कदम उठाना चाहिए, जब भी जो जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के स्वास्थ्य उप केंद्र है उनकी हालत जब जाकर ठीक होगी। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे कोई भी सड़क हादसा हो जाता है तो किसी को भी फर्स्ट एड देने के लिए यहाँ पर कोई भी सुविधा इस गांव में नहीं है। तो ग्राम प्रधान का ये कहना है कि जल्दी इसका उपकेंद्र का या तो विकास किया जाए, या तो विकास किया जाए या इसे दोबारा निर्माण किया जाए, तब यहाँ गांव वालों को सुविधा मिल पाएगी। बिल्कुल, लेकिन जोगेंद्र, जिस तरीके से अभी ग्राम प्रधान भी बोल रहे थे कि 6 किलोमीटर लोगों को जाना पड़ता है, अगर मैं स्वास्थ्य केंद्र की बात करूं तो कितनी दूर है स्वास्थ्य केंद्र, क्योंकि जिला अस्पताल तक पहुंचना होता है लोगों को, इस दौरान क्या लोगों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस समय मिली हो, या फिर लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है? जी देखिए, हम बात करें ग्रामीणों की, ग्रामीणों से बात हुई थी, ग्रामीणों का कहना यही है कि पिछले कई सालों से जर्जर हालत में खड़ा है, यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं में कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही है ग्रामीणों को। कई बार उन्होंने अवगत भी कराया, जहाँ पर विधायक भी आए, सांसद भी आए, सभी को अवगत करा चुके, पर किसी आश्वासन के सिवा यहाँ पर कोई समाधान नहीं दिखता है। जैसे आश्वासन देकर लोग चले जाते हैं, उसके बाद दोबारा यहाँ नहीं आते, फिर चुनाव के टाइम ही विधायक सांसद उस गाँव में आते, उसके बाद यहाँ कोई नहीं आता। लेकिन जिस तरीके से अभी हम सुन रहे थे अपने कार्यक्रम के माध्यम से भी, सीएमओ की बाइट भी सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि इसका बजट दिया जाता है ग्राम प्रधान को भी, लेकिन बावजूद उसके क्या
जिस तरीके की हालत है, इतने समय में क्या कोई भी ऐसा बजट ग्राम प्रधान को नहीं मिला है जिस वजह से इसकी थोड़ी मरम्मत कराई जा सके? बात यहाँ डॉक्टर की नहीं है, बात यहाँ पर यह है कम से कम भवन तो ठीक तरीके से, जो जर्जर हालत में वो तो ठीक तरीके से रहे कम से कम, जिस तरीके से उपले उसमें रखे जा रहे हैं और वहां पर जो लोग वहां पर पहुंचे, ये भी बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये तो केंद्र की हालत ही बता रही है, उपले ये उपले रखे गए हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। कई बार ग्राम प्रधान ने भी मना किया पर गांव के लोग मानते नहीं, उनका कहना है कि जब चलता नहीं है तो इसका क्या करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो या तो सरकार कुछ करे या जिला प्रशासन यहाँ पर कुछ करे, इसकी इसे ठीक कराया जाए या इसका निर्माण कराया जाए और यहाँ पर डॉक्टर की सुविधा की जाए ताकि इलाज मिल सके। पर यहाँ के जो सीएम है वो भी स्वास्थ्य विभाग वो भी सोया पड़ा है, कई बार अवगत कराने के बाद भी यहाँ के जो हालात है बद से बदतर है और बदहाल है। ठीक है, तो इसमें तो हम जोगेंद्र मैं तुम्हारे पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ विधायक जी जुड़ चुके हैं, कृत सिंह जी। कृत सिंह जी, न्यूज वॉच इंडिया पर आप सबका स्वागत है, लेकिन सवाल हमारा ये है जिस तरीके से सहारनपुर की बात करूं मैं और खास करके बीराखेड़ी की, वहां पर आपने उपकेंद्र की हालत तो देखी होगी क्योंकि अभी ग्राम प्रधान से भी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि आप वहां पर गए हैं लेकिन आपने आश्वासन दिया लेकिन अभी तक ये उपकेंद्र पूरे तरीके से जर्जर हालत में है। इस पर किस तरीके, क्यों नहीं इसको लेकर कार्रवाई की गई है? इस विषय में बात हो रखी है सीएमओ साहब को भी, सीएमओ साहब से भी और स्वास्थ्य विभाग से भी, बहुत जल्दी इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। लेकिन सर जिस तरीके से लोग दवाई लेने के लिए जाएंगे वो 6 किलोमीटर दूर जाते हैं, उपकेंद्र बना है, भारत सरकार की तरफ से इतनी सुविधाएं देने की बात की जाती है, लेकिन आपके ही क्षेत्र में अगर इस तरीके की हालत देखने को मिलेगी कैसे चलेगा काम? मैंने अभी आपसे बताया जो ये कमियां हैं बहुत जल्द दूर कर ली जाएगी, इस पर बात कर चल रही है हमारी। कब तक आप इसका ये जो काम है कब तक पूरा हो पाएगा? जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं। देखिए कृत सिंह हमारे साथ विधायक जुड़े थे, अपने जो कार्य हैं उनसे बचते नजर आ रहे हैं। जब उनसे सवाल किया जाता है कि कब तक ये कार्य किया जाएगा क्योंकि लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं सरकार दे रही है उसको भी ये लोग देते नहीं है, उसको लेकर भी अपना पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। अपनी तरफ से कहा जा रहा है उनकी कि हम इसको लेकर काम करें, लेकिन कितना काम नजर आ रहा है वो उनकी बातों से भी हमें दिख रहा है कि आखिरकार वो हमारी बात तक नहीं सुन रहे हैं, बातों का भी जवाब इतनी जल्दीबाजी में दे रहे हैं कि क्या उनके लिए जनता की जो समस्या है वो कोई समस्या नहीं रही है? जोगेंद्र किस तरीके से, क्योंकि विधायक जी भी फोन काट के चले गए हैं, वो हमारी बातों का सही तरीके से जवाब ही नहीं दे पा रहे, तो ग्राम प्रधान की क्या बात सुनेंगे वो? जी बिल्कुल सही कहा आपने, ग्राम प्रधान की तो अवगत कराया, उन्होंने सांसद को अवगत कराया और आपने देख सकते हैं विधायक जी ने एक जल्दबाजी में जवाब दिया, जांच चल रही है, सीएमओ को बता रखा है। क्या उनका फर्ज नहीं बनता, क्या चुनाव के दौरान ही उनका फर्ज बनता है कि गांव गांव जाकर वोट मांगे जाए? वही सवाल जोगेंद्र, वही सवाल आता है, इसी सवाल पर आता है कि जब आपके लिए वोट बैंक की जरूरत होती है तो ग्रामीण आपको दिखाई देते हैं, लेकिन जब सुविधाओं की बात आती है तो आप ग्रामीणों की समस्या से अवगत भी नहीं होना चाहते, आप उनकी समस्या तक नहीं सुनना चाहते, दूर उन समस्या को दूर तो आप क्या ही करेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा सहारनपुर में ऐसे अधिकारी भी ऐसी है। देखिए विधायक जी कृत सिंह हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। कृत जी, जिस तरीके से बात कर रहे थे आप, अभी बोल रहे थे कि इसकी जो समस्या का समाधान है सीएमओ को बोल दिया गया है, लेकिन कब तक समस्या का समाधान होगा सर ये, क्योंकि ग्राम प्रधान भी बोल रहे काफी समय से वो आपके पास भी इसको लेकर पत्र दे चुके हैं। मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ सुनाइए। ग्राम प्रधान ने अब तक मेरे से किसी किस्म की कोई जानकारी नहीं दी। मेरी जो जानकारी मैं आया था पूरे क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों का, मैंने उसके लिए सीएमओ साहब को भी लिख के दे दिया और शासन को भी लिख के दे दिया। उधर से आश्वासन मिला कि जल्द ही, बहुत जल्द ही समस्याओं का, जहां भी कमी आए स्वास्थ्य केंद्रों की, सबको सबकी समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। कृत जी, जिस तरीके से कब तक ये समाधान होगा, क्योंकि एक बात सुनिए, जिस तरीके से आयुष्मान भारत के दौरान ये उपकेंद्र बनाए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार इतनी सुविधाएं लोगों को देने की पूरी तरीके से दावे करती है, लेकिन आप हालत देख रहे हैं कब तक होगा? आप मुझे बताइए कब ये निर्माण हुआ था और कब, अब तक क्यों नहीं इसमें ना कोई डॉक्टर है और हालत निर्माण क्या है? निर्माण की मुझे जानकारी नहीं है, निर्माण जो है मेरे से पहले जो विधायक रहे होंगे उनके समय में हुआ होगा, निर्माण पुराना है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल कृत जी आप जिस तरीके से कह रहे हैं पहले विधायक ने निर्माण कराया है तब से ये चल नहीं रहा, लेकिन जब चुनाव प्रचार के लिए आप गए थे तब तो आप पहुंचे होंगे ना उपकेंद्र, तब तो ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं बताई होंगी। नहीं, मेरे सामने, मैं बता रहा हूँ, मेरे सामने किसी ने कोई समस्या नहीं रखी। मैंने खुद ही स्वयं इस चीज की जानकारी करके मेरे क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी अव्यवस्थाएं हैं, जहाँ जहाँ भी खराब है स्वास्थ्य केंद्रों की हालत, उनको तुरंत ठीक कराने के लिए मैंने प्रशासन से बात कर रखी है।
कब तक प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया है विधायक? बहुत जल्द मैं इस विषय पे दोबारा बात करूंगा। कल संडे होगा, परसों दोबारा फिर सभी से बात करके डीएम साहब के माध्यम से बता दीजिए कब तक आपको डेट मिली है, मैं कह रहा हूँ कल संडे है, परसों मैं डीएम साहब से और सीएमओ साहब से दोबारा बात करके जो हमने आग्रह किया है सरकार को भी और अधिकारियों को भी कि वो कब तक इस चीज का समाधान हो जाएगा। मैंने स्वयं ही पूरे क्षेत्र में जहां जहां भी एक जगह नहीं कई जगह ऐसी समस्याएं आई हैं, मगर मेरे संज्ञान में प्रधान के द्वारा कोई जानकारी नहीं लाई गई अब तक। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कृत जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम तरह की जो बातें हैं वो आपने रखी। लेकिन अब देखने वाली बात तो ये होगी, जिस तरीके से आप वादे कर रहे हैं कि सोमवार को इस मामले को लेकर आप फिर से प्रशासन के पास में जाएंगे और इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी इस कार्य को पूरा कराएंगे। जोगेंद्र, जिस तरीके से अभी विधायक जी बोल रहे हैं कि सोमवार तक का समय है, हम भी चाहते हैं आप भी इस खबर पर नजर बनाए रखिए। एक बार फिर से अगर कार्य नहीं होता, इस खबर को हम फिर प्रमुखता से उठाएंगे और देखेंगे कि आखिरकार विधायक जी का सोमवार कब तक आता है। बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर सहारनपुर के अधिकारी और जनप्रतिनिधि और वादे तो कर लेते हैं पर उन्हें वादे को पूरा करने में बीच में कहीं ना कहीं रुक जाते हैं या फिर अधिकारी नहीं मिलते, अवगत कराते हैं पर वो कार्रवाई ही चलती है, कार्रवाई करते करते काफी समय बीत जाता है। वही ग्राम प्रधान ने बताया था कि हमने सांसद को विधायक को सभी को अवगत कराया है, विधायक जो किरण चौधरी है गंगो के, उन्होंने बता रहे कि हमें अवगत नहीं कराया। ऐसा मामला नहीं है, चुनाव के दौरान तो सब चीजें ग्रामीण अपना मुद्दा उठाते हैं, समस्याएं बताते हैं और ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है जन उपकेंद्र की, तो यहाँ पर उपकेंद्र जल्द से जल्द निर्माण होना भी चाहिए क्योंकि ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि गांव में अधिकतर बीमारियां फैलने का प्रकोप रहता है और जब यहाँ पर उपकेंद्र सही नहीं है तो क्या स्वास्थ्य सेवाओं को क्या सुविधा दे पाएंगे। यहाँ पर जितना जिला स्वास्थ्य विभाग भी इसमें काफी लापरवाही दिखती है, वहाँ चिकित्सा अधिकारी जो संजीव मांगली के उनका कहना है कि 30,000 का बजट आया है वो वहां पर दे दिया जाएगा, सेक्रेटरी में करेंगे 30-50,000 में क्या बजट में क्या ठीक कर पाएंगे क्योंकि बिल्डिंग पूरी जर्जर हालत में है और क्या स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बेहतर बना पाएंगे। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जोगेंद्र, तुम भी इस खबर पर जुड़े, तमाम तरह की जानकारी आपने दी। तो देखिए, बात अगर सहारनपुर की करें, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर तमाम दावे सरकार कर रही है, सरकार अपनी तरफ से जो सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और पहुंचा भी रही है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें सहारनपुर से सामने आई है उसको देखकर तो लगता है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत है, जिस वजह से जो सुविधाएं सरकार की तरफ से जनता को दी जा रही है वो वहां तक पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि अपना पेट भरने के लिए कहीं ना कहीं ये चीजें जो है वो निकलकर सामने आ रही है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।